हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिता पहाड़ी ब्लॉगर में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सवेरे की 10 बजे से। और आज काफ़ी दिनों बाद जो है मौसम खुला है, ये देखिए। और चटक धूप तो नहीं कहूँगा, हल्के बादल हैं। और दो तीन दिन बाद फिर बारिश का मौसम बनने जा रहा है। और आज फिर से हम जो है जंगल की ओर, क्योंकि एक दिन जो है हम बाहर गए हुए थे, वो ब्लॉग भी देखा होगा आपने मुंडन संस्कार का। तो अब गायों के लिए, गाय भैंसों के लिए चारा ले आना है। तो आज हम फिर से जंगल जा रहे हैं। और ये देखिए, ये सामने कुछ इस प्रकार के बांस के फूल खिले हुए हैं। और आजकल पहाड़ों में जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, आपको ज़बरदस्त बुरांस खिला हुआ मिलेगा। और इस पे ये मधुमक्खियों की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये शहद ले जा रही हैं। और अब जो है स्मिता की मम्मी भी आ चुकी है। हेलो, नमस्ते। देख रहे हैं आप, पहले जो है पत्थरों के मकान बनते थे, तो कोड़िया ऐसे पत्थरों का निकाला जाता था और कोड़ पे रखते थे, जो किनारे पे जो है चार कोने होते हैं, तो इस तरह के कोड़े रखे जाते थे और उसको कोड़िया बोलता था। और बना बुना के पीठ पे ले जाते थे। तो पहले के लोग बहुत ही मेहनती लोग थे। और ये देखिए, आजकल कुछ इस प्रकार के बुरांस जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, लाली लाल जंगल। और आजकल घूमने का अलग ही मज़ा है पहाड़ों में। दोस्तों, जिस भेटी के भैरव के बारे में जय हो प्रभु की, हमेशा बात होती है जय हो। और ये है वो छोटा सा मंदिर। और यहाँ पे आपकी पत्थरों की ये मूर्तियाँ हैं, इन्हीं में विराजमान होते हैं भैरवनाथ जी। और जो भी इस जंगल क्षेत्र में आता है, वो लंगूर के रूप में दर्शन देते हैं। ये देखिए, पहुंच चुके हैं हम जंगल में। और अब निकालेंगे हम घास, बांज काटेंगे। तो ये अब लकड़ियां इकट्ठे कर रहे हैं हम ना, और थोड़ा लकड़ी ले जाएंगे, थोड़ा घास ले जाएंगे, तो शाम के लिए चूल्हे के लिए लकड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आजकल बारिश है तो कुछ गीले भी हैं और सुखाने पड़ेंगे। ये कुछ इस तरह से लकड़ी काटी जाती है, ये देखिए थमाली से। पहाड़ों में किस तरह से स्ट्रगल करना होता है, कितनी ऊंचाई पे और ये बांझ काटना होता है, अपना बैलेंस भी बनाना है। पेड़ पे एक हाथ से और एक हाथ से काटना है। और ऊंचाई दिखाऊंगा मैं, ये देखिए। ये पेड़ का नीचे ये तना है और यहाँ से आपको ये देखिए कितनी ऊंचाई है, ये आप देख सकते हैं। और वो टॉप में जाना है जहाँ घास दिख रहा है ना, और उतने टॉप में जाना है। तो ये शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से पेड़ों पे चढ़ना होता है। अभी एक भारा और निकालना है, थोड़ा बहुत हो चुका है। तो चलिए, सीला पखूरी टू कभी तेला घाम घसीनी ची डाली माजी ये लोला डां।
खोरी टू कभी तेला घाम। ये देखिए कितने मेहनत होती है पहाड़ में, और कहीं टॉप दिख नहीं रहा है दोस्तों। ये देखिए कितने टॉप में पहुंच रखी है, और तब जाके वहां से ये बांझ निकालना है। ये देखिए एक हाथ से पेड़ पकड़ना है, एक हाथ से काटना है, तो कितना जान हथेली पे रख के चढ़ना होता है। ये देखिए, और नीचे उसका तना बताऊंगा मैं, लंबाई कितनी है पेड़ की, तना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए ये तना है जहाँ पे इसका गिर रखा है उसका। अब ये बारी तैयार हो चुकी है बांझ की। ये देखिए भारी एकदम से तैयार, इसे घास लगा रखा है पीठ पे, जिससे कि लकड़ियाँ पीठ पे चुभेंगी नहीं, और ये लकड़ियों का भरा है। ये देखे हैं लकड़ियाँ इस पे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर को, और ईशान को देखते हैं हम, ईशान क्या कर रहा है। वो ईशान को देखेंगे हम, अब चल रही है ईशांत की पढ़ाई, आजकल घर आ रखा है ना। और डेली की तरह अब इनको पिलाया जाएगा पानी, क्योंकि आज धूप है। वो देखिए सामने गौरी, और ये झबरी, और ये कबरी, और ये बल्लू, और ये कल्लू। इनको पिलाते हैं पानी। पानी पिलाने की ड्यूटी हमेशा से मेरी होती है। ये दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम अपनी गौशाला में, और जो हम बांझ लाए थे वो हमने गायों को दे दिया है। ये जबरू भी खा रहा है, ये देखिए। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।